दशहरा पर पांडुना विधायक बने रावण, दर्शकों को विधायक अंदाज आया पसंद, विधायक के अभिनय ने जमकर बटोरी तालियां। आजादी तत्व ने जला दिया रावण का पुतला, रामलीला समिति ने कार्रवाई करने पुलिस से की शिकायत, परासे विधायक ने लगाए बीजेपी नेताओं पर आरोप। रथ पर सवार होकर निकली बड़ी माता, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। नवरात्रि के बाद शुरू हुआ देवी मूर्ति विसर्जन का सिलसिला, देर रात तक विसर्जित होती रही मूर्तियां। और बच्चों ने जलाया कोरोना रूपी रावण का पुतला, कोरोना महामारी रोकने देवी से की विशेष प्रार्थना। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष और पांडुरना विधायक निलेश उइके अपनी सादगी और व्यवहारिकता के चलते हमेशा ही जनता के लोकप्रिय माने जाते हैं। दशहरे के अवसर पर विधायक निलेश उइके को रावण की भूमिका में देखकर जनता ने जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। गौरतलब है कि विधायक के गांव ग्राम रजौरा रैयत में विधायक निलेश उइके की रामलीला मंडली है। इस मंडली द्वारा आयोजित रामलीला में दशहरे के अवसर पर शुक्रवार को विधायक स्वयं रावण की भूमिका में नजर आए, जिसे देखकर रामलीला देखने पहुंचे दर्शक अचंभित हो गए। उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विधायक का स्वागत किया। आपको बता दें कि पांडुरना विधायक हमेशा से ही कला प्रेमी रहे हैं। रामलीला के दौरान उन्होंने मेघनाथ, रावण के साथ ही अन्य किरदारों की भूमिका भी पहले निभाई है। इसके अलावा हारमोनियम वादक और तबला वादक के साथ साथ गायन में भी उनकी रुचि रही है। चांदाबेटा के पंकज स्टेडियम में एक असामाजिक तत्व द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से रावण दहन करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक दशहरे के अवसर पर स्थानीय परासिया के चांदाबेटा पंकज स्टेडियम में रामलीला का आयोजन चल रहा था। इस दौरान रामलीला में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले पात्र रथ में सवार होकर रावण का दहन करने निकल रहे थे, लेकिन इसी बीच एक असामाजिक तत्व द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए आतिशबाजी के साथ से रावण का दहन कर दिया गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद रामलीला समिति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले को लेकर परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए हैं। परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि का कहना है कि जिस असामाजिक तत्वों द्वारा रावण के पुतले का दहन किया गया है, वहां भाजपा संगठन के लिए कार्यकर्ता है। कार्यक्रम को प्रभावित करने के उद्देश्य से उक्त युवक द्वारा हिंदू भावनाओं को आहत करते हुए नियम विरुद्ध तरीके से रावण दहन कर दिया गया है। उन्होंने उक्त असामाजिक तत्व और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। रावण दहन की बात आई तो इन्हीं के बीजेपी के लोगों ने, रावण दहन श्री रामचंद्र जी के माध्यम से होना था, रथ में बैठकर रामचंद्र जी जा रहे थे और रामचंद्र जी को रथ में हम लोग ले जा रहे थे, उसी बीच में कुछ असामाजिक तत्व जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर जो उनकी योजना थी, उस योजना के तहत में उन्होंने रामचंद्र जी के पहले ही उन्होंने अंगार लगा दी, रावण को रावण दहन कर दिया। जो रामचंद्र जी को काम करना था उन नास्तिक ने, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनने कर दिया। ये हम लोग के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और इसमें पुलिस प्रशासन से हमने कार्रवाई के लिए मांग करी है और पुलिस प्रशासन यदि कार्रवाई ढंग से नहीं करती, कार्रवाई नहीं करती, इसके पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर और जो प्रत्यक्ष रूप से जिसने ये कार्रवाई किया उसके ऊपर यदि नहीं होता है, तो फिर हम पूरी हिंदू समाज को जोड़ते हुए, पूरे हमारा दशहरा उत्सव समिति को जोड़ते हुए ज्ञापन सौंपे। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि समय से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा या शरारती तत्व द्वारा ये पहले ही आग लगा दी गई, इसकी सूचना प्राप्त हुई, छानबीन की जा रही है और जो भी परिणाम बाहर आए उसके हिसाब से विधि अनुसार कार्रवाई की। दशहरे के दिन शुक्रवार को बड़ी माता मंदिर की झांकी को रथ में सवार करके विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी माता की झांकी का शहर में जगह जगह भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आतिशबाजी बैंडबाजे के साथ बड़ी माता मंदिर की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गौरतलब है कि छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर भक्तों की आस्था का विशेष केंद्र है। यहां पर नवरात्रि के अवसर पर भव्य रूप से झांकी बनाकर माता रानी की प्रतिमा विराजित की जाती है, जहां पर नियमित महाआरती के साथ महारानी की पूजा पाठ की जाती है। बड़ी माता मंदिर की झांकी के अलावा छोटी माता मंदिर की झांकी भी भक्तों के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र रही। बड़ी माता की तर्ज पर छोटी माता की भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दशहरे की रात से ही शहर में देवी मूर्ति का विसर्जन शुरू हो गया, जो शनिवार देर रात तक चलता रहा।
इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए दुर्गा पंडालों द्वारा विधि विधान से माता रानी का विसर्जन किया गया। स्थानीय छोटा तालाब और कुल बहरा नदी में देवी मूर्ति विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जहां पर निगम और पुलिस की टीम मौके पर तैनात थी। इस दौरान गोताखोरों की ड्यूटी भी मूर्ति विसर्जन के लिए लगाई गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक जिले भर में लगभग 4,000 से ज्यादा देवी मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। कोरोना महामारी ने विश्व में भयंकर तबाही मचाई है। कोरोना का प्रकोप अभी भी शांत नहीं हुआ है, जबकि कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क पहनने के साथ हाथों की नियमित सफाई और सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। कोरोना में शहर के कई लोगों ने अपने को खो दिया है। ऐसी स्थिति में इस बार नवरात्रि के बाद दशहरे के अवसर पर नन्हे बच्चों द्वारा कोरोना रूपी रावण का दहन किया गया। स्थानीय नरसिंहपुर नाके के पास दुर्गा पंडाल के पास छोटे बच्चों ने कोरोना के रावण का दहन करते हुए माता शक्ति से संपूर्ण विश्व को कोरोना वायरस से मुक्ति करने की प्रार्थना की है। उसमें हमने ऐसा लगाया कि COVID-19 भी चले जाए रावण के साथ, हम रात में आज जलाएंगे रावण को और हम सबने मिलकर बनाया रावण को। इस बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाए और भी यादगार, छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद टू व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ, इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गिडामबाड़ी में मां भवानी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा दशहरा के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के छोटे बच्चों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेता प्रतिभागियों को मां भवानी दुर्गा उत्सव समिति के द्वारा सम्मानित भी किया गया। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी की झांकी तैयार की गई और यहाँ सभी ने उत्साह लिया और माँ भगवती की आरती हुई, पूजा पाठ हुआ, तत्पश्चात रावण दहन का कार्यक्रम किया। ग्राम खूनाजीर खुर्द स्थित दक्षिणेश्वर महाकाली मंदिर में बीते दिन दशहरे के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर समिति द्वारा माता रानी की महाआरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की तादाद में ग्रामीणों ने पहुंचकर महाप्रसाद लिया। जुन्नारदेव में विधायक सुनील उइके और ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के द्वारा विजयदशमी के उपलक्ष्य में दशहरा मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक सुनील उइके ने सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूजन करने के बाद उपस्थित लोगों को तिलक लगाकर मिठाइयां बांटी और उन्हें असत्य पर सत्य की विजय के पर्व विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सतीश नारायण शुक्ला, अमरदीप राय, घनश्याम तिवारी, नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, सुधीर लदरे, अरुण साहू, आर के बैग, रमेश साहू सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। जुन्नारदेव में दशहरे के बाद दुर्गा मूर्ति विसर्जन का दौर जारी रहा। इस अवसर पर विसर्जन स्थल में पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम मौके पर मुस्तैदी के साथ तैनात रही। विसर्जन स्थल पर नगर निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा, SI प्रेमचंद राठी, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू सहित समस्त पुलिस बल और पार्षद और नगर पालिका का अमला उपस्थित था। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर ज्ञान ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजरी में जायका के सहयोग से ममता HIMC स्वैच्छिक संस्था के द्वारा विद्यालय के इको क्लब में बच्चों को हाथ धोने के तरीके बताए गए।
कार्यक्रम में संस्था की संचालिका हेमलता तिवारी, प्रभारी नीता स्वामी, शिक्षिका उमा उइके, इको क्लब प्रभारी सुरेश पहाड़े, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विनोद तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। आप इधर जैसे भैया धो रहे ना वैसे धो ना। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन छिंदवाड़ा शहर के रॉयल क्लब ने शहर में स्थापित माँ दुर्गा की झांकियों का सम्मान किया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रॉयल क्लब के सदस्यगण बाजे गाजे के साथ शहर में स्थापित सभी दुर्गा पंडालों में गए और वहां के पंडाल संचालक कमेटी के सदस्यों का शॉल श्रीफल से सम्मान किया। इस अवसर पर रॉयल क्लब के अध्यक्ष शंटी बेदी ने कहा कि समाज हित में धार्मिक कार्य करने वाले युवा वर्ग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह आयोजन रॉयल क्लब के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से क्लब के सदस्य गुंजन शुक्ला, नंद किशोर साहू, ब्रजेश सोनी सहित अन्य लोग मौजूद थे। और छिंदवाड़ा जिले में वेटनरी सर्जन डॉक्टर अंकित मेश्राम द्वारा 5 साल की HF नस्ल की गाय के शरीर से 8 किलोग्राम के विशाल ट्यूमर को सर्जरी कर निकाला गया। गाय इस गंभीर ट्यूमर से लगभग 3 माह से पीड़ित थी। अत्यधिक खून का रिसाव होने की वजह से पशुपालक द्वारा वेटनरी सर्जन डॉक्टर अंकित मेश्राम से संपर्क किया गया। डॉक्टर मेश्राम ने ट्यूमर से ग्रसित गाय की गंभीर स्थिति को देखते हुए सर्जरी करने का फैसला किया और विशेषज्ञ सर्जन द्वारा अपने अनुभव से इस सर्जरी को करने में सफलता प्राप्त की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।